क्या आप जानते हैं रेलवे के लोको पायलट और एरोप्लेन के पायलट की सैलरी कितनी होती है? इनमें से किसको ज्यादा पैसे दिए जाते हैं? चलिए जानते हैं। जब इंडियन रेलवे में कोई नया नया लोको पायलट बनता है तो उसको सबसे पहले मालगाड़ी चलाने को दी जाती है, जिसके लिए उसे 25,000 से 35,000 रुपए दिए जाते हैं। फिर 2 साल की ट्रेनिंग के बाद इन्हें लोकल ट्रेन चलाने को दी जाती है, जिसके लिए इन्हें महीने में 35,000 से 50,000 रुपए की सैलरी दी जाती है। फिर 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद इन्हें एक्सप्रेस ट्रेन चलाने को दी जाती है। उसके बाद इनकी सैलरी 80,000 से 1,20,000 रुपए तक बढ़ जाती है। बात करें हवाई जहाज के प्लेन के पायलट की सैलरी की तो इनकी शुरुआती सैलरी ही 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ होती है, जिनको प्राइवेट प्लेन उड़ाने के 2 से 4 लाख रुपए और कमर्शियल प्लेन उड़ाने के 3 से 10 लाख रुपए दिए जाते हैं।